Well, unfortunately, at least 7 bodies that have reported to have been recovered from the site of a 5-story building that collapsed in Gujarat's Surat as the incident that happened on Saturday that left at least 4 to 5 people trapped under the debris. As rescue operations that have been taking place, let's take a quick live from Hiten, who is joining us right now. Hiten, अभी के अपडेट के बारे में बताइए. 7 लोगों की जान चली गई है. बिल्कुल देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है. लोकल अथॉरिटीज़ ने साफ कर दिया है कि अब अंदर कोई दबा हुआ नहीं है. 7 लोगों के मिसिंग की खबर आई थी, 7 की डेड बॉडी जो है वो रिकवर की गई है. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची हुई है. वो कुछ सैंपल कलेक्ट कर रही है. सूरत पुलिस में कुछ अधिकारियों से हमारी अभी बातचीत हुई है. उनका कहना है कि आज दोपहर तक एक ऑफिशियली एक एफआईआर जो है इस पूरे मामले में फाइल की जाएगी और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी या फिर जो भी बिल्डर्स होंगे या मैनेजमेंट के जितने भी लोग मौजूद होंगे उन सबको सूरत पुलिस की तरफ से जो है वो अरेस्ट करके आगे की लीगल एक्शन जो है वो लिया जाएगा. क्योंकि इस वक्त सूरत पुलिस का कहना है कि एज पर सोर्सेज उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन है कि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग की, लेकिन एफआईआर जो दर्ज करी गई है हितेन, उसके बारे में अभी फिलहाल जानकारी देना चाहेंगे. एज फार एज द सूरत पुलिस रजिस्टरिंग एफआईआर एंड टेकिंग एक्शन इन द एंटायर मैटर, as far as the Surat Municipal Corporation, as Hiten was pointing out, has already issued a notice regarding the stability of the building. And despite questions being raised on that, houses were given to rent on to at least 5 families. And according to sources, the building was also erected illegally. Let's also listen into reactions that are coming in. But Hiten, सबसे पहले अगर आप जानकारी दे सके, क्योंकि पहले अगर ये जानकारी थी कि building stable नहीं है, कभी भी गिर सकती है, तो आखिरकार उसे rent पे क्यों दिया गया? बिल्कुल उसी वक्त बिल्डिंग को गिरा भी सकते थे क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास अथॉरिटी है. अगर आप नोटिस दे रहे हैं तो आपको उस वक्त ही खाली कराकर उस इमारत को गिरा देना चाहिए था, लेकिन नोटिस देने के बाद किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई. तो निश्चित तौर पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ भी अब आने वाले दिनों में जो है हो सकता है कि पुलिस कार्रवाई करे. हालांकि सूरत पुलिस का सीधे तौर पर कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. गुजरात गवर्नमेंट से अब तक कोई भी नेता या मुख्यमंत्री अब तक सामने नहीं आया है. इतनी बड़ी घटना हो गई, 7 मौत हो चुकी है, लेकिन सीएम का भी एक ट्वीट देखने नहीं मिला है. अनुमान छोटी से छोटी घटना में भी मुख्यमंत्री तुरंत ट्वीट कर देते, लेकिन इस घटना में अब तक सीएम ने ट्वीट नहीं किया है. हर्ष संघवी जो होम मिनिस्टर है वो सूरत से है, उन्होंने अब तक किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं दिया, कोई मुआवजा ऐलान नहीं किया गया है. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से अब कोई बोलने को तैयार नहीं है. बस कॉर्पोरेशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने नोटिस सर्व कर दी थी, बिल्डिंग की स्टेबिलिटी पर हमने सवाल खड़े किए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रेंट पर दिया. अगर आपने नोटिस सर्व की थी तो आपकी जवाबदेही थी कि आप उस बिल्डिंग को खाली कराकर आप उस बिल्डिंग को पहले ही गिरा देते, लेकिन आपने वो कार्रवाई नहीं की. अगर बिल्डिंग इलीगल थी तो बिना नोटिस तो टाइमली एक्शन लिया जा सकता था, लेकिन आखिरकार ऐसा नहीं हुआ. एंड व्हेन इट कम्स टू द सेट बिल्डिंग दैट हैज कोलैप्स्ड, इट वाज सेड टू बी आल्सो बिल्ड इलीगली, बट हाउएवर व्हेन इट कम्स टू the structure itself wasn't stable enough, and despite that it was given on rent to at least 5 labor families as well. Unfortunately, 7 people have lost their lives. Hiten, I'm lotting ye aapke paas. Let's listen into the reactions coming in from the police's side. ये 12 घंटे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें एक औरत को बचा लिया गया है और 7 डेड बॉडीज़ हमें मिली है अभी तक कंफर्म किए थे, और उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है. अभी वो तो पूरा पक्का नहीं कह सकते कि कितना, लेकिन अभी ये मलबा हटाने का काम चालू रहेगा. 5 माले की बिल्डिंग जो है कोलैप्स हुई है, तो इसका साइज देख के वो ब्रिगेड कोड डिक्लेयर किया था हमने. उसमें 80 के आसपास फायर के जो फायरमैन वगैरह है वो थे, और 20 के आसपास जो फायर ऑफिसर्स थे. उसके बाद में ये सर्च ऑपरेशन होल नाइट चला, और अभी करीब लास्ट जो डेड बॉडी निकली है वो 6 बजे के आसपास निकली है, और 7 डेड बॉडी रिकवर किए क्योंकि वो स्लैब पूरा नीचे गिर गया था. इन्फॉर्मेशन मिली कि एक 6-story या 5-story बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है और उसमें कुछ विक्टिम्स फंसे हुए हैं. तो हम तुरंत यहाँ आए और हम 4:30 बजे के लगभग पहुँचे, और तभी से कंटिन्यू ऑपरेशन चल रहा है. 7 विक्टिम्स अभी तक रिट्राइव किए गए हैं, और अभी जैसा आप देख रहे हैं कंटिन्यू ऑपरेशन चल रहा है. Well, as far as the updates that are now concerned, FIR in this matter is also being registered. However, 7 people unfortunately have lost their lives. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.